नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का पंचांग। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे मेष से लेकर मीन राशि के शुभाशुभ के साथ साथ राशि अनुसार उपाय और बताएंगे कुछ खास उपाय जो आपके जीवन की सभी प्रॉब्लम्स को दूर भगाए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग और विशेष उपाय। आज बुधवार का दिन है, तारीख है 21 अगस्त 2019। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी पर चंद्रमा मेष राशि और अश्वनी नक्षत्र में रहेंगे। आज का भाग्यांक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व, राहु काल रहेगा दोपहर को 12:24 से लेकर 2:01 तक दोपहर में, अमृत काल रहेगा शाम को 4:55 से लेकर शाम को 6:40 तक, विजय काल मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:33 से लेकर शाम 3:25 तक। और विशेष क्या है, आज बलराम जयंती है, तो आइए बलराम जयंती के बारे में विशेष जानते हैं। आज शेषनाग के अवतार और श्री कृष्ण के अग्रज बलराम हल और बैल की पूजा करने का विधान है, क्योंकि आज बलदेव छठ मनाई जाएगी, बलराम जयंती मनाई जाएगी। आज हल से जुता अनाज, गाय के दूध व गाय के घी का सेवन वर्जित माना जाता है। आज के उपायों से शारीरिक बल में वृद्धि होती है, मानसिक कमजोरी से मुक्ति मिलती है, संतान को लंबी आयु मिलती है और बुद्धि बल में वृद्धि होती है। तो चलिए अब जानते हैं बलराम जयंती का विशेष उपाय। क्या करें आप, स्टील के कलश में जल, इत्र, लौंग, तिल, सिक्के डालकर कलश पर पीपल के पत्ते रखकर और उस पर नारियल रखकर बलराम कलश स्थापित कर विधिवत षोडश उपचार पूजा कीजिए। तुलसी की माला से आज का विशेष मंत्र ब्रीम बलभद्राय नमः, इसका जाप कीजिए और बलराम कलश पर चढ़े सरसों के तेल से शरीर पर नित्य मालिश कीजिए, इससे शारीरिक बल में वृद्धि होगी। तो चलिए शुभाशुभ की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व, शुभ समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 तक और उपाय के तौर पर बलराम कलश पर नारियल तेल का दीपक करें। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व, शुभ समय रहेगा दिन में 1:30 से शाम को 3 तक और उपाय के तौर पर बलराम कलश पर काली मिर्ची के 6 दाने चढ़ाएं। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम, शुभ समय रहेगा शाम को 3 से 4:30 तक और उपाय के तौर पर बलराम कलश पर बरगद के पत्ते चढ़ाएं। बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 1, शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम, शुभ समय रहेगा शाम को 4:30 से 6 तक और उपाय के तौर पर बलराम कलश के निमित्त सफेद फूल चढ़ाएं। तो अब समय है जन्मदिन के विशेष उपाय का। क्या करें आप, तिल के तेल में अपनी छाया देखकर बलराम के निमित्त 6 मुखी दीपक करें, इससे मानसिक कमजोरी से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं राशि नंबर 5 सिंह की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा मिश्रित, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व, शुभ समय रहेगा दोपहर को 12 से दिन में 1:30 तक और उपाय के तौर पर बलराम कलश पर 6 लौंग चढ़ाएं। बात करते हैं छठी राशि कन्या की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम, शुभ समय रहेगा शाम को 3 से शाम 4:30 तक और उपाय के तौर पर बलराम कलश पर 11 सिक्के चढ़ाएं। बात करते हैं राशि नंबर 7 तुला की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व, शुभ समय रहेगा दिन में 1:30 से शाम को 3 तक और उपाय के तौर पर बलराम कलश पर तेज पत्ता चढ़ाएं। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व, शुभ समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक और उपाय के तौर पर बलराम कलश पर बादाम चढ़ाकर गले में रखें। तो अब समय है विवाह वर्षगांठ के विशेष उपाय का। क्या करें आप, संतान के नाम पर कृष्ण मंदिर में गुड़ चना चढ़ाकर गरीब बच्चों में बांटें, इससे संतान की लंबी आयु, संतान को लंबी आयु प्राप्त होगी। बात करते हैं नवी राशि धनु की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण, शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10 और उपाय के तौर पर बलराम कलश पर लोबान से धूप करें। बात करते हैं 10वीं राशि मकर की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ दिशा रहेगी उत्तर, शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 तक और उपाय के तौर पर बलराम कलश पर 6 काले द्राक्ष चढ़ाएं, यानी कि काली किशमिश चढ़ाएं।
बात करते हैं ग्यारहवीं राशि कुंभ की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ दिशा रहेगी उत्तर, शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक, और उपाय के तौर पर बलराम कलश के निमित्त नारियल तेल का षडमुखी यानी कि 6 मुखी दीपक करें। बात करते हैं 12वीं राशि मीन की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपका ऑरेंज, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण, शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 तक, और उपाय के तौर पर बलराम कलश के निमित्त गुड़ तिल से बनी रेवड़ियों का भोग लगाएं। तो अब समय है आज के महाटोटके का। क्या करें आप, ओम नभ्रभूषणाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए नारियल पर 7 बार काला धागा लपेटकर जल प्रवाह कर दीजिए, इससे बुद्धिबल में वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुंडली टीवी पर आपका पंचांग के साथ में। लेकिन आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा जाते जाते कि कुंडली टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस, और अब अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।